નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ટુ ધ પોઈન્ટમાં, અને હું છું આપની સાથે જિજ્ઞાસા. ટુ ધ પોઈન્ટમાં આપણે રોજ એક નવા વિષય સાથે ચર્ચા કરતા હોઈએ છીએ, અને આજે આપણે ટુ ધ પોઈન્ટમાં ચર્ચા કરવાના છીએ પાકિસ્તાન સામે ભારતની પછડાટ. જી હા, વિકાસશીલ દેશોમાં પાકિસ્તાનથી પાછળ ધકેલાયું છે ભારત, અને આ ચોંકાવનારી વિગતો બહાર આવી છે વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમના એક અહેવાલમાં. દાવોસમાં આયોજિત વર્લ્ડ ઇકોનોમિક ફોરમની શરૂઆત પહેલા જ એક મોટો ધડાકો થયો છે. ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં ભારત ગત વર્ષે 60માં ક્રમાંકે હતું અને આ વખતે 62માં ક્રમાંકે પહોંચ્યું છે. પાકિસ્તાનની જો વાત કરવામાં આવે, ગત વર્ષે તે 52માં ક્રમાંકે હતું અને આ વખતે 47મો ક્રમ પાકિસ્તાને હાંસલ કર્યો છે. એટલે કે પાકિસ્તાન સામે ભારતની પછડાટ, અને વિકાસશીલ દેશોમાં ભારત પાકિસ્તાનથી પણ પાછળ ધકેલાયું છે. આ જ મુદ્દે આપણે ટુ ધ પોઈન્ટમાં ચર્ચા કરવાના છીએ, અને ચર્ચામાં આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે રાજકીય અને આર્થિક વિશ્લેષક મનસ્વી થાપર. મનસ્વીજી, કાર્યક્રમમાં આપનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. જ્યારે આપણે આજે વાત કરી રહ્યા છીએ પાકિસ્તાન સામે ભારતની પછડાટ, અને ખાસ કરીને વિકાસશીલ દેશોમાં પાકિસ્તાનથી પણ પાછળ ધકેલાયું છે ભારત, એવું અહેવાલ પ્રમાણે જાણવા મળી રહ્યું છે, ત્યારે સવાલ ઉપસ્થિત એ થઈ રહ્યો છે કે જ્યારે ભારત આટલી ગતિથી વિકાસ કરી રહ્યો છે, તો પછી આ આંકડાઓ જે સૂચવી રહ્યા છે કઈ પ્રમાણે? સૌથી પહેલા તો વિકાસશીલ દેશની ડેફિનેશન શું? ये जो आंकड़े हम सब ने देखे हैं कल और आज में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो बेसिकली है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स. इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब ये है कि सब मिलके विकास करें, सबका विकास हो, वो जो परिभाषा है उसकी. तो इसके जो तीन पिलर्स हैं बेसिकली इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स के, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है, पहला ये होता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. हम सब लोग कैसे रहते हैं, ये नहीं होता कि 10% लोग कैसे रहते हैं, 15% कैसे रहते हैं. एक देश की 100% आबादी कैसे रहती है, उसके बारे में पहला सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है. दूसरा है एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, कि किस तरीके से एक ऐसा इकोसिस्टम, कैसी एनवायरमेंट क्रिएट की जाए लोगों के बीच में कि वो साथ में मिलकर रह सकें. सस्टेनेबिलिटी की बात है कि सब लोग आर्थिक से, सोशल एंगल से, सब लोग एक साथ कैसे सस्टेन हो सकते हैं, उसकी बात है. थर्ड जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इसमें जो पिलर है वो है फ्यूचर जनरेशन का, कि आज की जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन एक दूसरे के साथ कितने लोन के ऊपर है, कितनी डेप्टनेस उनके ऊपर है, उसके साथ सस्टेनेबिलिटी है कि नहीं है. ये जो डेवलपमेंट इंडेक्स होता है इंक्लूसिव, ये ज़रूरी नहीं है कि आज का विकास बताए, ये इंक्लूसिव है, ये सबका विकास बताती है, आज के समय का बताती है, कल के समय का कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर एक डिसीजन लिया जाता है. जो हम अब तक देखते हैं वो जनरली जीडीपी का देखते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का देखते हैं, जो इससे काफ़ी अलग है. जीडीपी में इंडिया ज़रूर आगे हो सकता है, पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया काफ़ी पीछे है. उसका रीज़न ये है कि 1% लोगों के पास 73% हमारी जो इकोनॉमी है वो कंट्रोल करते हैं, और बाकी जो 27% लोग हैं उनके पास 99% जो लोग हैं वो 27% जो इकोनॉमी उस पर डिपेंडेंट है. तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्पैरिटी है, बहुत ही ज़्यादा अलग तरीके से पुअर और रिच का जो डिवाइड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. तो इसलिए इस पर्टिकुलर लिस्ट में इंडिया गिरा है, पीछे हुआ है, यही मेजर कारण है. इन तीन पिलर्स पे इंडिया नहीं स्टैंड हो रहा. જી બિલકુલ મનસ્વી જી, જે પ્રકારે હમણાં જ વર્લ્ડ બેંકના અને IMFના બી આંકડાઓ રજૂ થયા હતા, જેમાં ભારતનો વિકાસ દર વધવાની વાત કરી છે, પરંતુ તેમાં જે માત્ર ને માત્ર વિકાસ દરને ધ્યાનમાં રાખીને જ વાત થતી હતી. આમાં જ્યારે આપણે ગરીબ અને અમીર વચ્ચેની જે એક મોટી ભેદરેખા છે તેને લઈને આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવતા હોય છે, જ્યારે ભારત ગત વર્ષ કરતાં પણ આ વખતે 2 ક્રમાંક પાછળ પહોંચ્યું છે, તેનો સીધો મતલબ શું થઈ રહ્યો છે? ઇસકા મતલબ યે હૈ કે जो सीधी समझ हमें ये मिलती है, इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति को विकास छू नहीं रहा, कुछ व्यक्तियों को विकास बहुत ज़्यादा छू रहा है. विकास जो है वो कुछ ही व्यक्तियों के कंट्रोल में है, और बाकी सबके व्यक्तियों के पास विकास की कोई भी परिभाषा या विकास जैसा परिंदा उनके पास नहीं पहुँच रहा. इसी कारण हम लोग इसमें पीछे जा रहे हैं. और बात करें पाकिस्तान की, तो वो बिल्कुल छू रहा है पाकिस्तान में. अगर हम कुछ समय पीछे चले जाएं, उनके प्रधानमंत्री को इस कारण निकाला गया क्योंकि उनके पास पनाम पेपर्स में उनका नाम था. तो इसका मतलब वहाँ की जुडिशरी प्रो पीपल है. तभी एक प्रधानमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है उसमें से भी उनको निकाल दिया गया. तो इसका मतलब जो प्रो पुअर गवर्नमेंट है वो इंक्लूसिव हो रही है,
और हमारे देश में जब पनाम पेपर्स आते हैं, पैराडाइज पेपर आते हैं, वो अछूते रह जाते हैं, वो सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन आती है कुछ समय के लिए, फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, उस पर कोई इंक्वायरी नहीं होती। तो बेसिकली एक ऐसा बहुत बड़ा वर्ग है जो 99% पे आता है हमारे देश में, जिनके ऊपर कोई भी फर्क जो होता है विकास का, उसके ऊपर कुछ भी टच नहीं करता। इसी कारण हम पीछे हो रहे हैं, और आने वाले समय में अगर हम इंक्लूसिव नहीं हुए, अभी के समय में तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर लॉन्ग रन में आने वाली जनरेशंस को बहुत ज्यादा तकलीफ आने वाली है। क्योंकि ये जो होने वाला है ना, कुछ अगर आप एक देश में अगर 100 लोग रहते हैं और एक आदमी पूरे 100 लोगों में से सबसे ज्यादा अमीर हो, और बाकी सब लोग के पास जो रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ 27% हो, और एक आदमी के पास 73% रिसोर्सेज हो, तो आप डिस्पैरिटी देखें। ये सब चीज़ें इसलिए गुम जाती हैं क्योंकि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है हमारे देश की, और बहुत सारा वर्ग ऐसा है जिसकी आवाज़ नहीं है, उनके पास आवाज़ उठाने की वो ताकत नहीं है, इसलिए छिप जाती है। पर देश में बहुत ज़्यादा इंक्लूसिव जो सबका साथ की बात है, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम इस पर्टिकुलर रिपोर्ट से आती है। जी जी बिल्कुल मनस्वी जी, કેન્દ્રમાં વાત કરી લઈએ સરકારની, તો પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકાર છે વિકાસના નામે જ ચૂંટાઈ છે, અને હમણાં જ્યારે ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી યોજાઈ ત્યારે પણ વિકાસના નામે જ ફરી એકવાર સત્તામાં આવવાનો મોકો મળ્યો છે ભારતીય જનતા પાર્ટીને, અને જ્યારે પણ વિપક્ષની વાત કરવામાં આવે ત્યારે વારંવાર વિપક્ષ તરફથી એવા પ્રહારો પણ કરવામાં આવ્યા, ખાસ કરીને જ્યારે કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ રાહુલ ગાંધીની વાત કરવામાં આવે, તેઓ વારંવાર કહેતા આવ્યા હતા કે માત્ર ને માત્ર સરકાર 4-5 ઉદ્યોગપતિઓની જ છે, ગરીબ વધુ ગરીબ બનતો જઈ રહ્યો છે, શું આ વાત આ આંકડા ઉપર ये बात तो बिल्कुल सही है। ये देखिए फैक्ट्स की बात है, हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारी कथनी और करनी में फर्क जरूर हो सकता है। हम इलेक्शन जो चीज है, इसको इलेक्शन से मैं मिक्स नहीं करना चाहता, पर इलेक्शन जब होता है तो बेसिकली आप एक भाषण देते हैं, आप एक बात करते हैं कि ये सब मेरे आने के बाद बदल जाएगा, पर ऐसे ही 5 साल चले जाते हैं, बदलाव कुछ नहीं आता, फिर आप वही बात रिपीट करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे देश में, जो इसको सबसे ज़्यादा वोट मिलती है वही आगे आपका MLA बनता है, आपका MP बनता है, और फिर प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर बनते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आपके भाषण पे लोग आपको वोट दे देते हैं, आपके करने पे आपको वोट नहीं मिलती, आप ऑलरेडी सरकार में हैं, और ऐसा कोई प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है कि अगर आपने काम नहीं किया तो आपको अगली बार इलेक्शन में मौका नहीं मिलेगा, क्या आपको अगली बार लोग वोट नहीं करेंगे। एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी के ऊपर सोशल मीडिया का बहुत प्रभाव पड़ता है, तो वो बेसिकली आपने कितना काम किया है वो नहीं दिखता। तो जो 99% लोग हैं वो इससे वंचित ही रहते हैं, वो बेसिकली अभाव में आ जाती, हवा चलती है, आप हमेशा देखते हैं इलेक्शन के समय एक हवा चल रही है, इसकी हवा चल रही है, उसकी हवा चल रही है, उस हवा में लोग बह जाते हैं। और उसी कारण ये जो इंक्लूसिव है, मैं ये नहीं बोल रहा इंडिया का ग्रोथ नहीं हो रहा, इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, ऑन पेपर अगर आप देखेंगे ग्रोथ आपको दिखेगा बढ़ता हुआ, पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जब बात करेंगे इंडिया का स्तर लगातार गिर रहा है। और अगर हम बात करेंगे और 2015 और 2017 में वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में इंडिया का नाम था, चाइना को भी सरपास कर दिया था, पर ये जब वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी होती है इसमें क्या हर एक व्यक्ति को छुआ है हमारे देश ने? नहीं, सवाल यही आता है कुछ व्यक्तियों को छुआ है, बाकी सब इससे वंचित रह गए। જી બિલકુલ મનસ્વી જી, સવાલ ઉપસ્થિત એ થઈ રહ્યો છે કે જે આંકડાઓ રજૂ થયા ઇન્ક્લુસિવ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં, જેમાં ભારતે આ વખતે 62મો ક્રમાંક હાંસલ કર્યો છે, પરંતુ જો હવે ભવિષ્યની વાત કરવામાં આવે, ફ્યુચરમાં આપણે આ ક્રમાંકમાં ખૂબ આગળ વધવું હોય અને આ જે ક્રમાંક 62 છે જો આપણે તેને ખૂબ નીચો લઈ જવો પડશે, ખૂબ આગળ વધવું પડશે, તો તે માટે સરકારે કયા પ્રકારના પગલાં ભરવા જરૂરી બનશે? ઇસમે જૈસે મેને બતાયા 3 મેજર પિલર હૈ, इसमें डिटेल में जाऊं उससे पहले मैं आपको कैसे सुधारा जाए आपको उससे पहले मैं बताना चाहता हूं कि किन इन तीनों पिलर्स में इंडिया का स्टैंडिंग क्या है। इंडिया का रैंक 72 है, जहां पे इंक्लूसिव की बात है, 103 देशों में इंडिया का 72 रैंक है। इसका मतलब ये है कि सब लोग इन्वॉल्व नहीं होते डेवलपमेंट में, इसलिए हम लोग 72 रैंक पे हैं। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है उसमें हमारा रैंक 66 है, और 44 हमारा रैंक है इंटर जनरेशनल इक्विटी पे, जिसका मतलब ये है कि आज की जनरेशन, कल की जनरेशन और पिछली जनरेशन में इक्वालिटी कितनी रही है, उसमें हम लोग 44 होते हैं, और इसका टोटल बनता है 62, और हमारा जो रैंक है इसलिए 62 है। अब इसको सुधारने के लिए सबसे पहले जो सबसे मेजर पिलर है इसका, इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये है कि हर व्यक्ति तो किसी भी देश में इम्पॉसिबल है, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें और उस ग्रोथ का फ़ायदा उठाएं, तो तभी हम लोग इसमें अपने रैंकिंग्स को आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लोग इस चीज़ में, जो अगर हम देखें, हम लोग 99
जो हमारे परसेंट लोग हैं, 1% लोग अगर 73% इकोनॉमिक रिसोर्सेज को कवर कर रहे हैं, इसको जो रिडक्शन होना चाहिए 1% लोगों का, कम से कम आने वाले समय में 10% भी गिरेगा और उधर ऐड होगा 99% लोगों में, तो हमारी ग्रोथ अपने आप बढ़ जाएगी। तो जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, अगर पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी हैं, वो उनको खोलना पड़ेगा। जैसे अगर हम देखें 1991 से जब से हमारा लिबरलाइजेशन हुआ है, हमारे देश का जीडीपी हर साल 4-5% बढ़ता ही आया है, कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है। तो इसी मोमेंटम को हमको अपने ही लोगों के लिए खोलना पड़ेगा। हमारी पॉलिसीज कंट्री फ्रेंडली होनी चाहिए, हमारी पॉलिसी सिटीजन फ्रेंडली होनी चाहिए, जिसमें हम लोग ये क्रिएट करें जहाँ पे सबको एक मौका मिलना चाहिए। अभी जो मौके की बात है वो कुछ ही परसेंट लोगों को मिल रहा है, तो वो मौका जब सब लोगों को मिलेगा, अपने आप ये ग्रोथ जो दर है वो बढ़ता जाएगा। जी बिल्कुल मनस्वी जी, जयरे आज वडाप्रधान मोदी दावोस में संबोधन करू त्यारे तेमने कहू कि 1997 ની જો વાત કરવામાં આવે તેના કરતા આજ 6 ગણો જીડીપી ગ્રોથ અમારો વધ્યો છે। સાથે જ તેમ પણ કહ્યું કે ભારત એટલે બિઝનેસ નું પર્યાય અને વિકાસ નું પર્યાય। જ્યારે વડાપ્રધાન મોદી વિકાસની વાતો કરે છે અને આપણે પોતે પણ જે જીડીપી ગ્રોથ વધી રહ્યો છે ખૂબ સારી બાબત ભારતીય અર્થવ્યવસ્થા માટે છે, પરંતુ જ્યારે આ આંકડાઓ આપણે જોઈએ છીએ ત્યારે ખૂબ દુઃખ પણ થઈ રહ્યું છે। ત્યારે હવે સરકારે કયા કયા પગલાં એવા ભરવા જોઈએ કે જ્યારે સામાન્ય નાગરિક પણ આ પોતાની જે પ્રકારે જિંદગી જીવી શકે અને આ જે ભેદરેખા છે ગરીબ અમીર વચ્ચેની ખૂબ ઓછી પાતળી લાઇન થઈ જાય અને આપણો જે ક્રમાંક છે ખૂબ નીચે જાય અને આપણે પણ આ આંકડાઓમાં પણ ઉચ્ચ સ્થાન પ્રાપ્ત કરી શકીએ। देखिए जीडीपी का जो पर कैपिटा का हमारा जो रैंक है वो 141 है और जीडीपी पर कैपिटा पीपीपी का जो रैंक है हमारा वो 123 है। इसका मतलब मैं आपको अगर समझाऊं, अगर मेरे पास समय है तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि अगर एक देश में 100 लोग हैं जी। या इस केस में आप समझिए 150 लोग हमारे एक देश में हैं, एक देश 150 लोगों का है, तो इसमें क्या होता है, अगर आज मैं 100 रुपये कमा रहा हूँ, दूसरा व्यक्ति 200 रुपये कमा रहा है और तीसरा व्यक्ति 2 रुपये कमा रहा है, तो आपका जो एवरेज होता है जब आप टोटल करते हो तो वो 150 में से होता है। उसी तरीके से जब हमारे देश का एवरेज किया जाता है तो जो पर कैपिटा जीडीपी नॉमिनल है वो 141 रैंक पे कैसे आएगा, क्योंकि कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और बहुत सारे लोगों के पास कुछ पैसा है, और जब एवरेज लॉ ऑफ एवरेज की हम जब बात करेंगे तो हमारा स्तर सीधा गिर जाएगा, क्योंकि व्यक्ति तो एक ही काउंट होगा, अमाउंट जो होगा वो अलग अलग काउंट होगा, तो इसी कारण हमारा स्तर एकदम से गिर जाएगा। इसको बदलने की जरूरत है। जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमाउंट है एक व्यक्ति के पास या कुछ व्यक्तियों के पास नहीं होना चाहिए, वो ओपन टू ऑल होना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज जो हैं गवर्नमेंट लेवल पे पॉलिटिकल लेवल पे नहीं रुकनी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज हर एंगल पे हर व्यक्ति के पास इक्वल होनी चाहिए, फिर उसका दिमाग उसकी ताकत उसकी प्रतिभा उसको आगे बढ़ाएगी कि किस तरीके से उस अपॉर्चुनिटीज को फायदा उठाना है। पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज ही कुछ लोगों में रोक देंगे तो ये इंक्लूसिव ग्रोथ कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी। और हमारे अगर हम देखें हमारे आजू बाजू हर नेबरिंग जो देश है हमसे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में आगे है। तो ये जो इकोनॉमी की बात करें ये मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां पर हम देखते हैं कि हमारी ग्रोथ बहुत ज्यादा है और इसी चीज में एक ट्रेंड दिख रहा है, एडवांसिंग ट्रेंड है, मतलब 10 जो टॉप देश हैं उसमें से इंडिया एक है इसी पर्टिकुलर इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स में, जहां पे इमर्जिंग मार्केट में इंडिया इकलौता है, एडवांस मार्केट में तो बाकी सब है, इमर्जिंग में इंडिया इकलौता है। तो लोग इंडिया में निवेश करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि इंडिया में और पैसा डालें, विदेशी मैं लोगों की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब इंडिया में निवेश तो लोग करना चाहते हैं, पर क्या उस निवेश का जो बड़ा प्रश्न है, क्या उस निवेश का देश के आखिरी व्यक्ति को फायदा है, ये बड़ा प्रश्न है। इसको किस तरीके से हटाया जाए, कैसे सॉल्व किया जाए और आने वाली जनरेशन इसका फायदा उठा पाए और हमारे को ही हमारी इस जनरेशन को बोले कि इन्होंने सही स्टेप्स लिए, वो बड़ा प्रश्न है। क्योंकि हमारा देश कोई मामूली देश नहीं है, हमारे देश में 100 करोड़ से ज्यादा की आबादी है, उसको टैकल करना किसी भी पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशल पर्सपेक्टिव से बहुत ही डिफिकल्ट है। पर अगर कोई भी सरकार इसको करने की कोशिश करती है वो बहुत बड़ा एडवांटेज है बहुत सारे लोगों के लिए। जी बिल्कुल मनस्वी जी, सवाल अहीं ए पण थई रह्यो छे के ज्यारे आपणा देशना वडाप्रधान विदेश में जईने प्रवास करे छे, अन्य देशना वडाप्रधान राष्ट्रपति आपणा देश में पण आवे छे, इन्वेस्टमेंट पण करे छे, अनेक कार्यक्रमों लोकार्पण थाय छे, कंपनीओ पण अहीं स्थापाय छे, अने केन्द्र सरकारनो पण एक ज उद्देश्य रहेतो होय छे के नानामां नाना व्यक्तिने रोजगारी मळी रहे। आटला बधा उद्देश्यो साथे काम करवामां आवे छे छतां पण आ आंकड़ाओ आ जे रिजल्ट दर्शावी रह्या छे, केम आवो?
इसमें शायद हमारी जो पॉलिसी है उसमें कुछ ना कुछ लूपहोल्स होंगे, तभी हम लोग नहीं कर पा रहे. जो मेजरली इसमें मैं अगर बोलना चाहूँ, कई बार हम ना पहाड़ को हिला रहे होते हैं, पहाड़ नहीं हिलता पर हम थक रहे हैं. एफर्ट्स जरूर हम कर रहे हैं पर उन एफर्ट्स का नतीजा आखिरी व्यक्ति को मिल रहा है वो इस रिपोर्ट से पता चलता है नहीं मिल रहा. तो वो एफर्ट्स में कहीं ना कहीं गलती है, कहीं ना कहीं हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो एक कंपनी के और उसी तरह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक देश के हो या एक थिंक टैंक जो ग्रुप होता है वो सोचे कि किस तरीके से देश को आगे बढ़ाया जाए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है, सोशल फैब्रिक जो देश का है वो वीक हो रहा है. तो कहीं ना कहीं सबको, हर वर्ग को साथ में ला के ही हम इकोनॉमी डिसाइड करते हैं. हमारे देश में अभी सारा वर्ग नहीं साथ में, बाहर जाके हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं, बाहर जाके हम भारतीय नहीं ला सकते, भारतीय तो भारत में ही है. तो इन्हीं भारतीयों को हमको उठाना पड़ेगा, इनको बताना पड़ेगा कि ये जो गवर्नमेंट है वो प्रो पीपल है और आप हमारे साथ मिलके काम करो, हम देश को आगे लेके जाएं. वो कहीं ना कहीं मिसिंग है. एक लिंक, एक जो कनेक्ट होना चाहिए देशवासी का देश के साथ, वो मिसिंग है. उनको ये विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग देश में शायद जुड़ के कर सकते हैं. इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण जो है कि जो हमारा किसान क्राइसिस अभी चल रहा है देश में, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा. हमारा यूथ अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा, जो बहुत मेजर स्टेक है. दुनिया के सबसे ज्यादा युवा देश अगर बोला जाए तो हमारे देश को बोला जाता है, और वो सबसे वही युवा सबसे ज्यादा अगर बेरोजगार है तो वो कैसे जुड़ेगा इंक्लूसिव ग्रोथ में. तो हम कुछ युवाओं की बात नहीं कर रहे, हम बहुत सारे युवाओं की बात कर रहे हैं, हम किसानों की बात कर रहे हैं. जब इनके मुद्दों को उठाया जाएगा, इनके मुद्दों को सॉल्व किया जाएगा, सोल्यूशन लाया जाएगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे. ये मुद्दे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको माइन्यूटली देखना पड़ेगा, तभी हम एक गुड गवर्नेंस पे और गुड कंक्लूजन पे देश के लिए आ पाएंगे. जी बिल्कुल मनस्वी जी, परंतु टू द पॉइंट में आपने बात करी रहा छे, विकासशील देशों में भारत पाकिस्तान थी पण पाछळ, कारण के पाकिस्तान गई वखते 52 क्रमांके हतुं अने आ वखते 47 क्रमांके पहोंच्युं छे, ज्यारे भारत 2 क्रमांक पाछळ धकेलायुं छे. तो सीधी वस्तु ए छे के पाकिस्तान जो आ दृष्टिए जोवा जईए, आपणे इन्क्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्सनी दृष्टिए तो खूब आगळ वधी रह्युं छे. तो आपणे भारते पण कई रीतना पगला भरवा जोईए? देखिए, हमारा पहली बात तो कोई मेजर कंपैरिजन हमको पाकिस्तान से करना नहीं चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक अलग देश है और हमारा एक अलग देश है. हमारा देश जो, अगर हम डिफरेंसेस की बात करें तो पाकिस्तान एक टेररिज्म हेवन है, टेररिस्ट का स्वर्ग है. हमारे देश में ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी वर्ग टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता. और पाकिस्तान की अगर आबादी भी देखें तो हमारे देश से काफ़ी पीछे है, हमारे देश की आबादी भी बहुत ज़्यादा है. हमारे देश में लास्ट जो व्यक्ति तक कोई भी चीज़ को पहुँचाने में बहुत समय लगता है. तो इस हमारे देश की प्रॉब्लम्स अलग हैं. किसी भी देश के साथ हम लोग अपना कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा लैंड मास और पॉपुलेशन मास दोनों का एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो किसी भी देश में नहीं है. हमारा देश इसलिए यूनिक है, इसके प्रॉब्लम्स यूनिक है, इसके सोल्यूशन भी यूनिक होंगे. हर व्यक्ति तक पहुंचने के लिए ये बोलना बहुत आसान है कि हम लोग पीछे हो रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, पर उसके पहुंचने के लिए पहले अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है. अगर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी है या किसी भी पॉलिसी से कुछ चेंज आता है किसी के भी जीवन में, वो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही. इतने बड़े देश में इतने सारे लोगों में वो इन्फॉर्मेशन अगर नहीं पहुँचती तो वो पॉलिसी का वो लाभ नहीं ले पाते. गवर्नमेंट शायद ऐसे प्रयास कर रहे हो जहाँ पे इंक्लूसिव डेवलपमेंट की बात हो, पर अगर वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं पहुँच रही तो कोई प्रयास का कोई फायदा नहीं हो रहा. तो इन्फॉर्मेशन पहुँचना बहुत ज़रूरी है. आपको पता हो कि आपकी गवर्नमेंट प्रो पीपल है, आप वहाँ पे एप्लीकेशन दो, आपका फायदा मिलेगा. वो नहीं होगा, वो अगर होगा तभी एक ये सर्कल है जिसमें लोग, गवर्नेंस और पॉलिटिकल फैब्रिकल के साथ में सोशल फैब्रिक अगर साथ में जुड़ता है तभी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, नहीं तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट का कोई सवाल नहीं है. तो सबसे पहले लोगों को साथ में आना पड़ेगा, पब्लिक पॉलिसी साथ में होगी उनके जो उनको असिस्ट करेगी आगे बढ़ने के लिए, तभी ये एक सर्कल चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा. जी बिल्कुल मनस्वी जी, पब्लिक एक साथ थवानी जरूर है, परंतु आ शक्य कई रीते लागी रही है? कारण के एक तरफ अनेक एवा, खास करीने आपणे खेडूतोनो मुद्दो लई लो, के अनेक एवा नाना नाना लोको पण छे के जेओ मांड रोजना 400-500 कमाय छे, अने अनेक एवा उद्योगपतिओ पण छे के जेओनी रोजनी लाखोनी अने करोडोमां कमाणी होय छे. तो पछी आ जे रेखा छे, भेद रेखा कई रीते दूर करवी, केवा एकदम निचला स्तरना केवा प्रयासो होवा जोईए सरकार के, खास करीने अनेक योजनाओनी पण आपे वात करी, जे प्रकारे सरकार द्वारा पण अनेक अनेक योजनाओ पण छे जेनी एक सामान्य नागरिकने कदाच खबर पण नथी होती. तो पछी वधु आपणे थोड़ा ऊंडाणपूर्वक जईए तो कई रीतना प्रयासो सरकारना रहेवा जोईए? नहीं, सरकार के प्रयास देखिए, हम लोग जब देखिए हमारे देश में सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो अर्बन और रूरल कनेक्ट का है. सबसे बड़ा डिफरेंस वो है. हम लोग अगर अहमदाबाद में रहते हैं तो हमें ये नहीं पता वीरमगाम में क्या चल रहा है, हमें ये नहीं पता पालनपुर में क्या चल रहा है. तो हम लोग सोशल मीडिया के थ्रू तो सब कनेक्टेड हैं, पर
ग्राउंड लेवल पे हम लोग कनेक्टेड नहीं है, तो वो ब्रिज बनना बहुत जरूरी है। लोकल लेवल पे आपका कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट के कियोस्क होने चाहिए हर जगह, गवर्नमेंट के पैम्फलेट्स होने चाहिए, एडवर्टाइजमेंट्स होनी चाहिए। उस एडवर्टाइजमेंट से इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, इन्फॉर्मेशन वंचित नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट का प्रयास ये होना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सबको इक्वल मिलनी चाहिए, और उस इन्फॉर्मेशन का जो उसका आउटपुट है, जो उसका फायदा होने वाला है लोगों को, वो लोगों के ऊपर है कि किस तरीके से उस गवर्नमेंट पॉलिसी का या उस गवर्नमेंट की जो भी योजना है उसको किस तरीके से वो लेता है, उसको आगे कैसे बढ़ाते हैं अपने जीवन के लिए, तो वो लोगों के ऊपर है। पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड होना गवर्नमेंट के काम है कि वो सब मेक श्योर करे कि सबको वो मिले। जी बिल्कुल मनस्वी जी, जारे चलो आ बात ऊपर सरकार अने लोको पण ध्यान आपे छे अने हवे जरूरी प्रयासो हाथ धरवामां आवे छे, परंतु जे आ क्रमांक छे 62 मां आ वखते मळ्यो छे, केवा आटला प्रयासो हाथ धरवामां आवे, भविष्यमां शुं रिजल्ट आनाथी मळी शके छे खरु, जो प्रयासो हाथ धरवामां आवे चोक्कसपणे? तो देखिए, इसमें जो सबसे मेजर फेक्टर है वो फेक्टर है कि जो बहुत ही ज्यादा दर्दनीय है वो है 1% लोगों के पास देश का 50 से ज्यादा इकोनॉमिक रिसोर्सेज वो शेयर करते हैं। 100 करोड़ की आबादी में मतलब 1 करोड़ लोग पूरे 99 करोड़ लोगों के ऊपर एक तरह से राज करते हैं। इसको हटाने के लिए टैक्सेशन पॉलिसीज होनी चाहिए, इसको हटाने की ओपननेस ऑफ जो अगर हम करें ओपननेस ऑफ इकोनॉमिक डिपार्टमेंट्स होना चाहिए। मतलब कोई भी एक क्षेत्र में कोई भी एक दो व्यक्ति ही कंट्रोल ना करें तभी इंक्लूसिव ग्रोथ होगी, कोई भी आके बिजनेस कर सके, वो ओपननेस होनी चाहिए। गवर्नमेंट से रिलेटेड जो बिजनेसेस होते हैं, जैसे डिफेंस है, टेलीकॉम है, माइंस है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में होते हैं, वो कुछ ही जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कुछ ही कंपनियां करती हैं, अगर वो ओपन कर दिया जाए सारे देशवासियों के लिए तो वो इंक्लूसिव अपने आप हो जाएगा। ये स्टेप्स हमको लेने पड़ेंगे, तभी हम प्रो पीपल हो पाएंगे, तभी ये डिस्पैरिटी जो है वो कम होगी। तो इसके लिए स्टेप सबसे पहला तो यही है कि आप अपने जो हर लेवल पे एक चेक एंड बैलेंसेस जो बनाए हुए हैं, हर लेवल पे आपको रुकना पड़ेगा, फिर जाके आप एप्लीकेशन करोगे, तो वो कुछ ही कंपनियां कर पाती हैं, कुछ ही इंडिविजुअल्स कर पाते हैं, सब लोग इससे वंचित रहते हैं। तो पहले आपको उनको एजुकेट करना पड़ेगा, स्किल देनी पड़ेगी, तभी हम इसमें आगे बढ़ पाएंगे। अगर देश का ये मेजर कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, अगर मकसद ये है कि 1% लोग या 1% से भी कम लोग ही देश को चलाएं, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट है। पर अगर देश चाहता है कि सबका साथ हो और इंक्लूसिव ग्रोथ हो, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, तो ओपननेस होनी चाहिए, ओपननेस ऑफ थॉट्स होनी चाहिए, ओपननेस ऑफ योजना पॉलिसी होनी चाहिए, तभी आप ग्रोथ को इंक्लूसिव कर पाओगे। जी बिल्कुल मनस्वी जी, જ્યારે ગ્રોથ રેટની વાત કરવામાં આવે છે, જીડીપીની વાત કરવામાં આવે છે, ત્યારે તો ભારત ખૂબ ગતિથી આગળ વધી રહ્યું છે, પરંતુ ગઈ વખતના આ આંકડાઓની ઇન્ક્લુઝિવ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સની વાત કરવામાં આવે, 60માં ક્રમાંકેથી 62માં ક્રમાંકે પહોંચ્યું છે। સવાલ એ પણ થઈ રહ્યો છે કે આની જે ગણતરી થાય છે એ કઈ રીતે કરવામાં આવતી હોય છે, કઈ રીતે આ આંકડાઓ રજૂ કરવામાં આવતા હોય છે? देखिए, हम लोग जीडीपी वर्सेस ये आईडीआई अगर मैं बोलूँ, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, उसमें जो बेसिक डिफरेंस होता है, अगर लोगों को बताने के लिए हम बात करें लेमैन में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का होता है कि जो इसमें एक व्यक्ति कैसे रहता है और दूसरा व्यक्ति कैसे रहता है। और अगर 100 लोगों की एक देश है तो 100 लोगों के देश में 99 लोग कैसे रहते हैं और एक आदमी कैसे रहता है, तो वही आपको बता देगा। जीडीपी क्या होता है कि अगर हम देखें तो एक आदमी 1000 रुपए कमाते हैं और बाकी 99 लोग 1-1 रुपया कमाते हैं, तो आपका टोटल इकोनॉमी हो गया 1999। तो अगर आप जीडीपी करेंगे तो 1000 रुपए और 99 रुपए का एक ग्रॉस एवरेज आएगा। पर अगर आप आईडीआई करेंगे, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स करेंगे, तो उसमें आप काफी स्तर में पीछे हो जाएंगे। तो इसको हमको बदलना है, हमको आईडीआई को लाना है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स लाना है, जहां पे 99% जो लोग हैं उनको भी जो 1% आदमी को या 1% लोगों को फायदा मिलता है वो 99% को मिलेगा, तभी हम आगे देश में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जीडीपी जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कभी भी गवर्न नहीं करता, वो ये गवर्न नहीं करता कि सस्टेनेबिलिटी कैसे है, वो ये नहीं गवर्न करता कि इक्विटी है, जनरेशनल इक्विटी है, कि आज की जनरेशन और नेक्स्ट जनरेशन में कैसे काम होने वाला है, उसको वो कवर नहीं करता। तभी इसको इंक्लूड करेंगे, इस वाले इंडेक्स को इंक्लूड करेंगे, तो ही देश को हम एक अच्छा फैब्रिक दे पाएंगे, एक कंट्रोल दे पाएंगे, एक इंक्लूसिव ग्रोथ होगी देश में, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगी जिसमें हर वर्ग को
ફાયદા હોય. જી જી બિલકુલ. તો ટુ ધ પોઈન્ટમાં આજે આપણે વાત કરી ઇન્કલુઝિવ ડેવલપમેન્ટ ઇન્ડેક્સમાં ભારતના જે આંકડાઓ રજૂ થયા છે, જેમાં હજુ પણ વધારે પ્રયાસો હાથ ધરવાની જરૂર છે. તમામ પ્રયાસોમાં લોકોએ પણ સાથ સહકાર આપવાની જરૂર છે. આ જ વિશે આપણે ચર્ચા પણ કરી. ચર્ચામાં આપણી સાથે જોડાયા હતા મનસ્વી થાપર. મનસ્વીજી, કાર્યક્રમમાં આપ જોડાયા, ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો. ટુ ધ પોઈન્ટમાં અત્યારે બસ આટલું જ. નવા એક વિષય સાથે ફરીથી મળીશું. ત્યાં સુધી મને આપશો રજા. નમસ્કાર.